Alright, so what's up everybody, welcome back to my channel. This is Sal Chikar, back again with a new day, new vlog. And right now it's 10 in the morning और आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, बट कॉलेज की तरफ से हम लोग जा रहे हैं आईवी, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट. एंड इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए आज हम जा रहे हैं द इंडियन म्यूजियम, जहाँ पे लाइक हमें लाइक द ऑथेंटिक डायरेक्टर्स, ऑथेंटिक कैमराज, ऑथेंटिक ऑल द एक्टर्स हु आर ऑल बैक देन इन 70s 80s, उनके बारे में जानने को मिलेगा, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लाइक नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैं खुद एक फिल्म स्टूडेंट हूँ और हम लोग का कोर्स है फिल्म मेकिंग के ऊपर. तो यहाँ पे देखते चलते कैसे रहता है आज के दिन. तो भैया एक छोटी सी करेक्शन है, मैंने आपको बता दिया था कि वी आर गोइंग टू इंडियन म्यूजियम, बट वो इंडियन म्यूजियम नहीं है, वी आर गोइंग टू नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, विच इज़ प्योरली ऑल अबाउट फिल्म मेकिंग एंड सिनेमा. आई एम रियली एक्साइटेड. तो भाई साहब देखिए, मैं म्यूजियम पहुंचा और पहुंचते उसके एनवायरनमेंट में खो गया. भाई साहब मैं रील भी बना रहा था, मैं रील बनाने के चक्कर में इस ब्लॉग में इंट्रो दूँ कि मैं म्यूजियम पहुंच गया, इतना भी मेरा ध्यान भी नहीं रहा. अभी फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और मुझे ये क्लिप मिला. तो भैया म्यूजियम पहुँचते ही हमारा जो लाइक एजुकेशन वाला पार्ट था वो ऑलरेडी चालू हो चुकी थी. पर फिलहाल आपको इसको दिखा के स्टार्टिंग में बोर नहीं करेंगे, आप जाइए और एक छोटी सी झलक देख लीजिए म्यूजियम की सिनेमैटिक व्यू पे. अभी है हम म्यूजियम के अंदर और यहाँ पे लाइक वीडियोग्राफी करना उतना अलाउड नहीं है, पर इसलिए मैं मेरे ग्रुप सारे अंदर है उस तरफ, तो इसलिए मैं इस साइड पर आया जो आइसोलेटेड है थोड़ा. तो यहाँ पे आप सीन्स देख सकते हो, यहाँ कुछ इस तरह से दिखते हैं. बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक बिल्डिंग है, ऑफकोर्स इट्स म्यूजियम, इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. सो बट बॉस यहाँ पर आके इतना कुछ जानने को मिल रहा है, लाइक मैं खुद ही एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ और मुझे इतना कुछ नहीं पता था सिनेमा के बारे में, इंडियन सिनेमा के बारे में, जो अभी हम लोग को जानने को मिल रहा है. एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा सब कुछ जानने को मिला. और सबसे खास बात है क्या, पहले लाइक वुमेन्स वेर नॉट अलाउड टू एक्ट इन सिनेमा, सो दे यूज टू ब्रिंग फॉरेन एक्टर्स जिनको इंडिया पे लाके इंडियन नेम से लाइक जाना जाता था. लाइक अभी उनका नाम तो बहुत ही लाइक लंबे चौड़े रहते थे, एंड दैट टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियन पीपल टू प्रोनाउंस दोज. तो वो क्या करते थे, उन एक्ट्रेसेस को इंडियन नेम देते थे, जैसे कि सीता हो गया, मधुबाला हो गया. सो ये सब नाम दिया जाता था उनको ताकि ईजी हो, एंड दे यूज टू प्ले विद द स्टेज नेम. एंड बॉस वो अपने स्टेज नेम से फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. सो जेन्युइनली सो मच टू लर्न, एंड लाइक इतना कुछ मतलब कि सिनेमा के बारे में जानने को है, इंडियन सिनेमा के बारे में. हॉलीवुड हॉलीवुड करते पर बॉस फोकस ऑन बॉलीवुड, फोकस ऑन इंडियन सिनेमा, एंड जानने की कोशिश करो क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ थी, अभी भी है बट वो उस टाइम की बात ही कुछ और. बॉस डू यू बिलीव ये हॉल ऑफ फेम है, ठीक है, ये नेशनल सिनेमा का हॉल ऑफ फेम है. वहाँ यहाँ पे कभी अलविदा ना कहना डायरेक्टर भाई, डायरेक्टर पे करण जौहर, दिस फिल्म इज़ समथिंग लाइक बेस्ट फिल्म. पा इज़ देयर, पान सिंह तोमर ये फिल्म ज़रूर देखना, इज सो गुड. लाइक इरफान खान तो है भाई साहब, और ये रंग दे बसंती, आई हैव नॉट वॉच दिस रंग दे बसंती, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि मुझे अब ये देखना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत नाम सुना है मैंने इसके बारे में, हम लोग को इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है. तो बॉस मतलब सीरियसली दिस प्लेस इज अ वाइब लाइक फॉर द ऑल एक्टर्स एंड एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स. इफ यू कमिंग इन मुंबई देन डू विजिट दिस प्लेस. म्यूजियम से निकल गया और न्यू म्यूजियम से निकल के दूसरे ब्लॉक पे आए, ये रहा मेरे फ्रेंड्स ईशान एंड वजीर. एंड पता नहीं नीचे क्या चल रहा है, लेकिन बहुत तेज दिख रहा है, ये फैन तो लग रहा है बट लेजर का. यहाँ पे वैक्स स्टैचूज है, लुक एट दिस, इट इज सो रियलिस्टिक है वो यार.
बॉस दिस लुक सो रियल। हदीद शॉक्ड है, हदीद बहुत ज्यादा शॉक्ड है वैक्स जो को देख के। अरे वैक्स से नर्स भी है, नर्स से बना। लेजी दिस इज अ वैक्स स्टैचू ओवर हियर। और जनाब किसे पता था कि हमें फिल्म डिवीजन की चाय पीने का मौका मिलेगा। Meanwhile, कौन कोविड लेके आया इधर? ये असद 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 बवासीर लोग 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 मेरे को शूट कर रहे हैं। नाइस सिनेमैटिक्स ब्रो। मेरे को अपने आप देखो, एकदम अपने आप मेरे को मिल गया। फेस तेरा कितना गंदा ले रहा है। क्या हो रहा है सीन? They are suddenly fighting and they suddenly start fighting and so you will not know why they are fighting. तो कुछ छाप के आता है ऐसे स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली पहले के ज़माने में थिएटर्स नहीं होते थे, तो ऐसे टेंट लगती थी और टेंट पे अंदर जाके यहाँ पे ऐसे फिल्म स्क्रीनिंग होता था। तो लोग यहाँ पे नीचे बैठते थे, फिलहाल तो यहाँ बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है। और दिस इज समथिंग लुक्स लाइक दिस द ओल्ड थिएटर। मैम इसको बोलते क्या है? इट्स बायोस्कोप। अच्छा, तो ये बायोस्कोप वाले साइकिल पे बायोस्कोप लेके गांव-गांव घूमते थे एंड उसमें पॉइंट डाल के। हां फिर वो लोग इसी से पैसे कमाते थे। हां ये साइकिल। अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग म्यूजियम जो है, मतलब जो सेकेंड ब्लॉक पे आए, ये फोर फ्लोर्स पे डिवाइडेड है एंड ईच फ्लोर हैज़ समथिंग डिफरेंट टू से। जैसे कि थर्ड फ्लोर में हम उसके बाद जाएंगे, वहाँ पे बस टेक्निकल चीज़ें की बातें की जाएगी। यहाँ पे सारे जितने भी लाइक बड़े कलाकार हैं अपने इंडस्ट्री के, जैसे कि राज कपूर हो गया, महबूब खान हो गया, स्टूडियो भी बहुत फेमस है, बैंड रहे थे महबूब स्टूडियो, उनके बारे में बिमल रॉय फ्रॉम कोलकाता एंड मृणाल सेन फ्रॉम कोलकाता। सो लाइक ऐसे नहीं है कि यार मतलब बंगाली फिल्म्स पे इतनी बड़ी थी ये मुझे कभी पता नहीं था। एंड ऑफकोर्स ड्यू टू सत्यजीत रे, सत्यजीत रे के बारे में सबको पता है, बट इतना ज़्यादा इनका क्रेज़ था पहले ज़माने में, आई नेवर थॉट दैट। बहुत पढ़ते दादा साहेब फाल्के के लाइक अवार्ड्स के बारे में, बट दिस आर दी लाइक हॉल ऑफ फेम्स जिन्होंने दादा साहेब फाल्के जीत चुका है। सो लाइक आशा भोसले, लता मंगेशकर जी, राज कपूर, सत्यजीत रे, द हॉल ऑफ फेम ऑफ दादा साहेब फाल्के, प्योरली मैजिकल मैन। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस है, वो सबको ही पता है, बट ये हॉल ऑफ फेम देखने के बाद तो ऐसे लगता है कभी कभार ये अपना भी फोटो होना चाहिए इसमें। इतना इतना हार्डवर्क करो भाई। इट्स अ दिस मैन, बेसिकली दिस इज अ 3-point लाइटिंग स्टूडियो। यहाँ पे अंदर में बैठा हूँ, यहाँ पे उत्कर्ष दिख रही है मुझे। बॉस अभी हम लोग हैं लाइक दूसरे माले पे, जहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्री प्रोडक्शन एडिटिंग, ये स्टूडियो, वर्चुअल मेकअप, एनिमेशन, दिस गोज ऑन। अदीबा हाय। तो ये फ्लोर सब कुछ प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे साउंड एडिटिंग कर सकते हो यार, एंड ऑल्सो नोन एज डबिंग आर्टिस्ट, एंड दिस इज फॉर एनिमेशन एनिमेटर, यहाँ पे बैठ के एनिमेशन कर सकते हो। लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी एनिमेशन कैसे होती है। यहाँ पे बेसिकली यू कैन टेक द व्यू और अपना भैया अभी अपना टूर जो है म्यूजियम का वो जो हो चुका है ख़त्म बिल्कुल। एंड राइट नाउ इट्स 2 PM, हम सुबह आए थे तकरीबन 10:30-11 के करीब। तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। आज हमको फिल्म्स भी कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिली है जो मैंने आज तक नहीं देखा है। गांधी जी के बल्कि ऑन गांधी देयर इज समथिंग अराउंड 10-11 फिल्म्स, उसमें से बस मैंने लगे रहो मुन्ना भाई देखा है, सो बाकी बहुत सारे देखना भी पड़ेगा। एनवायरमेंट द होल एनवायरमेंट सो ब्यूटीफुल, आई मीन लुक एट द सीन्स ओवर हियर, जस्ट मतलब ग्रीनरी भी है, बिल्डिंग्स भी है, म्यूजियम को भी इतनी अच्छी तरह से मेंटेन की गई है, एंड द चार्ज इज ओनली 20 rupees पर पर्सन। सो भाई आप ज़रूर आइएगा, मैं तो और क्या ही बोलूँ। एंड यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ, दिस इज़ यू कैन सी द ट्विन टावर ऑफ मुंबई। ट्विन टावर बेसिकली लाइक यूएस में बहुत फेमस है,
पर मुंबई के ट्विन टावर को देखनी है, दिखाता हूँ। बेसिकली दिस इज ट्विन टावर। ओ डूड, फोकस फोकस फोकस, ये तुमसे मिलके मिलता है जो हाँ।